ओके वेलकम। तो आज हम थोड़ा क्वांट पढ़ रहे हैं भाई। मैं क्वांट पढ़ाया चार साल, इनफैक्ट 2011-12-13 तक क्वांट पढ़ाया। आई यूज टू लव क्वांट, नॉट एनी मोर, बट फिर भी थोड़ा बहुत शॉर्टकट्स याद है। मैं रिव्यू कर रहा था बैठ के अपने टीचर्स के साथ, तो आई थॉट आई यूज सम स्मॉल लिटिल क्यूट शॉर्टकट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीईटी। और बाद में मुझे कमेंट बताना कि रियली मतलब यू वॉन्ट मी टू डू मोर एंड मोर वीडियोज ऑन दिस, देन आई कैन डू मोर वीडियोज ऑन क्वांट एज वेल। चलो भाई आज एक छोटा सा शॉर्टकट करें, विच इज फ्रॉम माई फेवरेट चैप्टर कॉल्ड परसेंटेजेस। मैं तो बोलता हूँ भाई सबसे पहले आपको लाइफ के अंदर वीपार पढ़ना है। वीपार, व्हाट इज वीपार? वैदिक मैथ परसेंटेजेस एवरेजेस रेशियोस। कैटकिंग की जितने भी क्लासेस हैं, यहाँ पे जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं, हम लोग पहले वीपार करते हैं, वैदिक परसेंटेजेस एवरेजेस रेशियोस, बिकॉज लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड दिस। ये यार ज्योमेट्री के अंदर भी आपको एवरेजेस लगानी पड़ती है, टाइम्स पे डिस्टेंस की आपको परसेंटेज ही है, यू नो रेशियोज ही है। तो बहुत वैदिक मैथ में स्पीड कैलकुलेशन, ठीक है। नेवरतheless, let's give an example. Example is, if A is reduced by 50%, let me give one example, एक statement दे रहा हूं आपको, A is 50% more than B, okay? If A is 50% more than B, the question is, how much is B lesser than this? I repeat, A is 50% more than B, B कितना कम है, ठीक है? सिंपल, कई नालायक बच्चे बोलते हैं 50% ही है, नहीं भाई ऐसा नहीं है, कैसे करना है इसको? A is 50% more, हो गया half, 1/2, 50% is 1/2, अगर आपको याद हो मैं एक और वीडियो करूंगा जहां पे रेशियोज की बात करेंगे, ये भी याद कर लो 1/2 कितना होता है, 50%, 1/3, 33.3%, 1/4, 25%, 1/5, 20%, 1/6 is 16.66, 1/7, 14.28, and so on and so forth, 1/16.6, 1/9, 11.1, 1/9 याद करने के लिए बहुत ईजी है, 1/9 is 11.11 और 1/11 is 9.09 if I'm not wrong, ठीक है? तो ये 1/9 is equal to 11 something भी चलेगा, 1/11 is 9. something, nevertheless, ठीक है? बहुत इजी। कमिंग बैक, ये आपको समझ आ गया, ये हाफ करना है। कमिंग बैक, ए इज 50% मोर देन बी, तो बी कितना कम है, इसको लिखो 1/2 प्लस 1 करो, आ गया 1/3, 1/3 मतलब 33%। क्या मतलब है इसका? इफ ए 50% मोर देन बी, देन बी इज 33% लेस देन ए। हाउ कूल इज दैट, ठीक है? बहुत ही गरीब शॉर्टकट आपकी बुक्स के अंदर है, कैटकिंग की बुक्स जिनके पास है आपकी बुक्स के अंदर है। इसके दो एप्लीकेशंस भी हैं, कहां-कहां पे एप्लीकेशंस होते हैं ये भी परसेंटेजेस एवरेजेस रेशियोज में आपको दिखेगा, ठीक है? ओके लेट्स स्टार्ट दिस एग्जांपल। एक बहुत एग्जांपल है, एक गरीब फैमिली, गरीब मेरा फेवरेट वर्ड है बाय द वे। तुमने वो जी स्ट्रेटजी वाला वीडियो देखा, जी स्ट्रेटजी गूगल मारना, गरीब स्ट्रेटजी। नेवरतheless, एक्सपेंसेस है, गरीब किसान है, वो ना शुगर की कंजम्पशन करता है, वो 100 रुपए किलो, एग्जांपल 100 रुपए किलो चीनी है वो खरीदता है और 10 किलो उनका कंजम्पशन है। आई रिपीट, उनका एक्सपेंस आउट कितना होता है, व्हाट इज द एक्सपेंसेस, कितना रुपए पर केजी सामान है और कितना तुमने खाया, कितना तुमने ठूसा। द क्वेश्चन हियर इज, 100 केजी उसका प्राइस था, द क्वेश्चन इज, और 10 किलो वो कंज्यूम करता है, तो मुझे बताओ कि अगर 25% उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, मतलब शुगर 100 रुपए की जगह 125 रुपए की हो गई, तो उसका कंजम्पशन कितना कम होगा? That's the question. I repeat, 100 रुपए की चीज 125 रुपए की हो गई, 25% इंक्रीज हो गया, बहुत बढ़िया। ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाना है, नॉर्मल बच्चा कैसे करेगा, सर 25% इंक्रीज, 125 इंटू एक्स इज इक्वल टू, पहले कितना होता था 1000, राइट? पहले वॉज 1000, तो एक्स कितना होगा, 1000 डिवाइड बाय 25, फिर बेचारा गरीब आदमी डिवाइड करेगा 5 × 25, 5 × 5, 2 × 0, 0, फिर 20, फिर आंसर आएगा 8। हम लोग ऐसे करेंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, यही वाला शॉर्टकट यूज करेंगे। 25% कितना होता है, 1/4, 1/4 प्लस 1 करेंगे, इसको उल्टा करना है, इट इज 1/5, 1/5 कितना होता है 20%, बहुत बढ़िया। कंजम्पशन कितना होगा, 20%, उसको प्राइस बढ़ चुका है, कंजम्पशन रिड्यूस करना पड़ेगा, उनको 8 किलो शुगर खानी पड़ेगी, 20% ऑफ 10 इज 2 निकाल दिए ना, 8 किलो शुगर खानी पड़ेगी, आंसर आ गया। आर यू विद मी एवरीवन? ये है तुम्हारा एक्सपेंसिव वाला एग्जांपल। एक और एग्जांपल देखते हैं, माय अदर फेवरेट टॉपिक, पेपर सेटर्स फेवरेट टॉपिक, कैट के लिए, सीईटी के लिए, इट्स कॉल्ड एज टाइम स्पीड डिस्टेंस। बस एक ही फॉर्मूला है उसके लिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ऑल द लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड दिस। नेवरतheless, मैं इस पे और वीडियोस करूंगा, let's talk about that. So, speed आपका सपोज करो 33% बढ़ गया है, भाई तुम मोटरसाइकिल चला रहे हो, 33% आपकी स्पीड इंक्रीज कर रहे, बाइक से तुम ए प्लेस से अपने बी प्लेस जा रहे हो, ठीक है, ए प्लेस से बी प्लेस जाते हो, 33% स्पीड बढ़ गया, तो सिंपल आंसर बताइए टाइम कितना कम होगा, मतलब स्पीड से जा रहे हो, डिस्टेंस वही डिस्टेंस कवर करना है, तेज चला रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, कैट का फुल स्पीड जा रहे हो, बहुत इजी, 1/3 प्लस 1 करेंगे, 1/3 प्लस 1, 1/4, 1/4 कितना परसेंट हो जाता है, 25% आंसर, मतलब तुम्हें जो समय है वो 25% कम लगेगा फॉर एक्चुअली कवरिंग अप द डिस्टेंस, बिकॉज स्पीड बढ़ गया है, समझा?
I repeat, 33% increase हुआ है, 33% को 1/3 करेंगे, 1/3 into 25, जितना भी किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, कोई भी टाइम आपको दिया, डिस्टेंस दिया हुआ है, वो कवर करने के लिए आपको कम टाइम लगेगा, इजी मच। ये कहां एग्जांपल, जहां जहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है वहां पे आप यूज कर सकते हो, समझ गए। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू वांट मी टू डू मोर वीडियोस, ड्रॉप अ कमेंट फॉर श्योर, और लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट तो पक्का करेगा। एंड आई एम गोना डू लॉट ऑफ वीडियोस, आई प्रॉमिस यू वी गोना डू सीईटी डेली। इनफैक्ट आई एम गोना गेट लॉट ऑफ टॉपर्स एज वेल फॉर यू गाइस, ठीक है। तो लॉग इन, लोग मुझे बोलते हैं सर वीडियो का अपडेट नहीं आता है, व्हाट्सएप पे भेज दो। मैंने आपको बताया नीचे बेल आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको मेल के अंदर आएगा, ठीक है, मेल के अंदर आपको मेल बॉक्स में आएगा। और बाकी जो लोग सब्सक्राइब करते नहीं है क्योंकि यू आर नॉट लॉग्ड इन, लॉग इन करके रख लीजिए, लाइफ आपकी इजी रहेगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन गाइस, एंड आई एम गोना कीप डूइंग मोर वीडियोस। इफ यू गिव मी मोर कमेंट्स, 20-25 कमेंट आते तो ही थोड़ा मजा आता है, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड आई एम गोना सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from CATKing.